हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पे। लास्ट वीडियो हमने सबनेटिंग के ऊपर किया था। पार्ट वन में हमने सबनेटिंग क्या है, सबनेटिंग क्यों की जाती है और सबनेटिंग के क्या क्या बेनिफिट है, और क्लास सी की आईपी से हमने सबनेटिंग करना सीखा था। उसके बाद पार्ट टू में हमने क्लास ए की आईपी से हमने सबनेटिंग करना सीखा था। आज हम आपके सामने क्लास पार्ट थ्री लेके आए हैं, जिसमें हमने क्लास बी की आईपी से हम सबनेटिंग करना सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके फ्रेंड्स, तो हमने एक आईपी परचेज कर ली। सपोज हमने एक आईपी परचेज की क्लास बी की। क्लास बी की आईपी रेंज आपको पता ही, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, तो 128 से लेके 192 तक क्लास बी की आईपी रेंज है। तो हमने 140.0.0.0 हमने क्लास बी की आईपी 140 की आई क्लास बी की आईपी ले ली। क्लास बी की आईपी ले ली हमने, एक परचेज कर ली आईपी। अब इस आईपी को हमने सबनेटिंग करना है। इस सब आईपी को हमने सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमारे पास दो राउटर हैं, R1 R2। राउटर R1 के एक इंटरफेस पे हमें 1670 हार्डवेयर सिस्टम कनेक्ट करने हैं, आईपी हार्डवेयर सिस्टम को आईपी देनी है। और एक एंड पे हमें 2012 हार्डवेयर सिस्टम है, उनको आईपी देनी है। R2 के एक इंटरफेस पे हमें 3576 हार्डवेयर सिस्टम है, उनको आईपी अलॉट करनी है। और एक एंड पे हमें 1960, एक इंटरफेस पे हमें 1960 आईपी अलॉट करनी है। तो मैंने आज लास्ट वीडियो में आपको भी बताया था कि आप पहले अपना नेटवर्क बना लीजिए, कि उसके बाद नेटवर्क बनाने के बाद आप देख लीजिए कि एक इंटरफेस पे, किसी भी एक इंटरफेस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सिस्टम किस में है। जैसे इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ सिस्टम है 3576, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिस्टम आप इसको माइंड में रख लीजिए। 3576, 3576 मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके पास सिस्टम है। ओके, आगे चलते हैं। हम इसको अब इसको सबनेटिंग करेंगे। हमने आईपी ले ली 140.0.0.0। स्टेप फर्स्ट में क्या गया, हमें पता है ये क्लास बी की आईपी है, जिसमें फर्स्ट एंड टू टू ऑक्टेट जो होता है वो रिजर्व होता है नेटवर्क के लिए। ये दोनों होते हैं रिजर्व नेटवर्क के लिए, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों रिजर्व होते हैं नेटवर्क के लिए, ये दोनों। और ये दोनों होस्ट के लिए रिजर्व होते हैं, और ये होस्ट के लिए रिजर्व होते हैं दोनों। लास्ट टू, थर्ड एंड फोर्थ ये रिजर्व फॉर होस्ट। तो क्या करेंगे, जब होस्ट पार्ट है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे पहले, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, होस्ट पार्ट को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। ओके, तो होस्ट पार्ट को हमने बाइनरी कन्वर्ट कर लिया, नेटवर्क को हमने एज इट इज सेम लिख लिया, और होस्ट पार्ट को हमने कन्वर्ट कर लिया बाइनरी में। बाइनरी में जीरो का बाइनरी क्या होगा, 8 टाइम 0s, जीरो का बाइनरी 8 टाइम 0s। ओके, स्टेप टू में क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 2 की पावर n > n = मैक्सिमम नंबर ऑफ सिस्टम रिक्वायर्ड टू बी कनेक्टेड इन द इंटरफेस। एक इंटरफेस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर कितने थे, हमारी जो नेटवर्क हमने बनाया था उसके एक किसी एक एंड पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सिस्टम कितने थे, हमने जो कितने हार्डवेयर सिस्टम हमने कनेक्ट करने थे। तो मैंने बताया था आपको 3576, ये वहां पे आ गया मैक्सिमम नंबर ऑफ सिस्टम। एन की वैल्यू क्या है, एन की जो वैल्यू है 1 से लेके अप टू इन्फिनिटी तक, जब तक ये ग्रेटर देन इक्वल टू ना आ जाए, 2 की पावर n > n = 3576। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, हमने 1 से लेके जब तक इसका ग्रेटर देन नहीं हो जाएगा, जहाँ तो इक्वल टू हो जाए जहाँ तो ग्रेटर देन हो जाए, तब तक हम इसको मल्टीप्लाई पावर के एन की पावर पुट करते जाएंगे। ओके, तो हमने 2 की पावर 1 की, तो 2 की पावर 1 इतना आ गया 2, इन लेस देन इक्वल टू 3576। उसके बाद 2 की पावर 2 भी पुट करेंगे तब भी नहीं आएगा, 3 3 आएगा, 8 8 भी नहीं आएगा, 4 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम 2 की पावर अगर यहाँ पे 5 पुट करें तो 32 हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। फिर उसके बाद 2 की पावर 6 पुट करेंगे, 2 की पावर 6 पुट किया तो कितना आया, 64। देन फिर नेक्स्ट 7 पुट करेंगे, 7 पुट करेंगे 128, 8 पुट करेंगे 256, 9 पुट करेंगे 512, 10 पुट करेंगे 1024, 11 पुट करेंगे 2048,
और उसके बाद 12 पुट करेंगे तो आ गया 4096। 4096 ग्रेटर देन इक्वल टू 3576, ठीक। 4096 ग्रेटर देन इक्वल टू 3576, ये हमारा सबनेटिंग हो गया। अब इसमें क्या है, ग्रेटर देन क्या, एन की पावर कितनी आई हमारी 12। तो ये तो नेटवर्क के थे ऑलरेडी, तो ये होस्ट पार्ट में राइट से आपको बताया था, राइट से हमने 12 तक का होस्ट रखना है, बाकी वो सबको नेटवर्क को दे देना है। तो ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 यहाँ पे आ रहा है, 12 यहाँ पे आ रहा है, पीछे कितने बजाया, 4 जो है वो हमने नेटवर्क को दे दिए। तो 4 हमने इसमें नेटवर्क को दे दिए, बाकी 12 जो है होस्ट के पास रहे। अब नेटवर्क ने इससे यहाँ से कितने ले लिए, 4 बिट से है, 4 बिट जो है नेटवर्क ने इससे बारो कर लिए, इससे ले लिए, बारो कर लिए 4 बिट ऑलरेडी। उसके बाद डिफॉल्ट सब मास्क कितना था, उसके बाद सर क्लास बी में आपको बताया था पहले कि क्लास बी का सर डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है 16। 16 ऑलरेडी इसके पास था और इसने 4 इससे ले लिए, तो कितना हो गया 20। 20 इसके पास नेटवर्क हो गया, नेटवर्क नेटवर्क के बिट्स होगी। और होस्ट बिट कितनी रह गई अभी, 12। अभी अभी इसको पार्ट को हम इसमें बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 1400.0.0.240.0। ये इसका सबनेट मास्क बन गया, ठीक। अब सबनेट मास्क का, अब एग्जांपल इसे, इसका सबनेट मास्क क्या होगा, फर्स्ट 2 बिट जो है वो रिजर्व होते हैं नेटवर्क के लिए, तो उनको पूरा नेटवर्क के लिए रिजर्व होते हैं, तो पूरा, क्योंकि अगर इनको फर्स्ट 2 बिट अगर नेटवर्क के लिए रिजर्व होते हैं तो फुल बिट्स को हमने क्या करना है, 1 में लिख देना, 1 1 में, नेटवर्क को हम 1 में डिनोट करते हैं, तो 1 में लिखने के बाद तो बात पूरी 8 बिट कितना आएगा, 255, 255 इसमें आ जाएगा। और होस्ट वाली बिट को हम एज इट इज लिख देंगे, 240.0.0, ठीक। ये हमारा सबनेटिंग होगी। अब जो हमारा सबनेट, फर्स्ट सबनेट आईडी वो क्या होगी, फर्स्ट सबनेट आईडी क्या होगी, जहां से हमने शुरू किया था, 140.0.0.0, ये हमारा फर्स्ट है, ऑब्लिक 20। ब्रॉडकास्ट आईडी, अब ब्रॉडकास्ट आईडी जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेक्स्ट जो सबनेट आईडी होगी वो क्या होगी, उससे पहले वाली जो है हमारी ब्रॉडकास्ट आईडी है। फर्स्ट आई सबनेट आईडी और लास्ट आ गई ब्रॉडकास्ट आईडी। अब लास्ट ब्रॉडकास्ट आईडी में जानने से पहले मैंने आपको बताया था, या तो आप क्या करो, इसमें 4096 जो है वो पुट क्या वैल्यू ऐड कर लो। 4096 मतलब आप यहाँ पे 0 रखोगे, यहाँ पे 255 तक चले जाओगे, तो 0 से लेके 1 से लेके 255 और 0 256, एक में कितना आ गया 256। अगर एक 256 आया तो, और इसके बाद तब तक चलते रहो जब तक आपका ये 4096 ना आ जाए। ये तो बहुत आप सम करना पड़ेगा, आपको एग्जाम्पल दिमाग में रखना पड़ेगा। इससे अच्छा एक इजी एग्जाम्पल है कि आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी जो नेटवर्क बिट आपने दी थी लास्ट वाली वो कितने में आ रहे, जैसे यहाँ पे 2 की पावर अगर 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 की पावर 0 रहेगा तो 1, 2 की पावर 2 1 रहेगी तो 2, 2 की पावर 2 रहेगी 4, 2 की पावर 3 रहेगी तो कितना आएगा 8। और ये अगर इसको हम जैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो इसको इसको कर दें तो लास्ट वाली जो वैल्यू आती है हमारी, यहाँ आएगा 16, यहाँ आएगा 16, 32, 64, 128, ऐसा आता ना, 128, 64, 32 और ये आगे 16। तो लास्ट नेटवर्क जो हमारा ये शुरू होती है नेटवर्क आईडी वो 16 आ रही है, तो बस उस वैल्यू को हमने इसमें ऐड कर देना है, यहाँ 16 कर देना है। फर्स्ट वाले को नहीं हम छेड़ेंगे कि उसमें 0 से 2 2 और 5 आएगा तो इसमें 1 1 6 करेगा। अगर उसको ऐड करके भी देखोगे तो 4096 को ऐड करोगे तो इतना यहाँ 1 6 ही आएगा। तो 1 6 से पहले वाला आईडी कौन सा होगा, 15.255, क्योंकि ये 256 नहीं होगा, फिर इसको जहाँ चेंज हो जाएगा ये 16.0 हो जाएगा, तो वो उसका नेट को नेक्स्ट का ने, तो ये सबनेट आईडी सेकंड सबनेट की कितना आएगी, 140.0.16.0 ओब्लिक नेटवर्क के, नेटवर्क की बिट कितनी थी उसने 12 की थी, 20 हो गया। ब्रॉडकास्ट आईडी कैसे पता लगेगा, 16 प्लस करेंगे तो 32 हो जाएगा, 32 से पहले वाली जो होगी क्या कितना होगा, मैम 140.0.31.255, यहाँ पे 255 के बाद नेक्स्ट जो आएगी 32 आ जाएगी, 32.0 ये आएगी थर्ड थर्ड सबनेट आईडी। और ब्रॉडकास्ट आईडी फिर उसमें 16 प्लस करेंगे तो 48 चला गया, 48 से फर्स्ट वाली आईडी क्या आ जाएगा, 47.255।
और फोर्थ का सबनेट आईडी इसमें 16+ करने बाद 140.0.48.0 पब्लिक 20, ब्रॉडकास्ट आईडी 140.63, जैसे अप टू सो ऑन ऐसे हम करते जाएंगे जितनी हमें सबने इंटरफेस चाहिए होगी। हम अपने पास अगर नहीं भी चाहिए हो तो हम रख सकते हैं, आपको फ्यूचर में अगर आपको जरूरत पड़ती है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो एक इंटरफेस पे हम कितने सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं, हम 4096, 4096 टोटल, उसमें 4096 में -2 कर लेंगे, क्योंकि एक तो हमारा सबनेट आईडी चला जाएगा और एक ब्रॉडकास्ट आईडी, जैसे 2 की पावर n है तो उसके वहां 2 की पावर n -2 भी लिखते हैं कई बार, तो उसमें 4096 उसको आप छोड़ दो। अभी इसको देखो कि 4096 है टोटल, से हमारे पास नेटवर्क एक इंटरफेस पे हम कितने सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं, 4096, और हमने कितने करने थे, 3576। तो 4096 हम सिस्टम एक इंटरफेस में कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें जो फर्स्ट वाला जो है वो सबनेट आईडी हो जाएगा, जैसे ये इसका फर्स्ट ये सबनेट आईडी हो जाएगा और लास्ट वाला ये है इसका ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगा। फर्स्ट वाला सबनेट आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी को छोड़ के हम कितने सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं, 4094 टोटल, इसमें 4094 सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम इसको अभी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। हमारे पास ये हमने परचेज किया था तो हमारे पास ये फर्स्ट सबनेट आईडी क्या आई थी, 140.0.0.0, उसमें 16+ किया तो हमने जो नेक्स्ट में है 140.0.0.0.16.0। इस इंटरफेस पे, ओनली इस इंटरफेस पे हम कितने का सिस्टम दे सकते हैं, 4094, और 4096 टोटल हमारे पास इसमें आईपी है, उसमें फर्स्ट वाली छोड़ के फर्स्ट और लास्ट छोड़ के टोटल इस इंटरफेस पे हम दे सकते हैं 4094 एज इट इज। सभी पे हम ऐसे इतनी सिस्टम दे सकते हैं, बाकी जो आईपी हमारे पास बची है हमारे पास अपेयर है नेक्स्ट में फ्यूचर में, अभी हमारा हमारे पास और सिस्टम हम कनेक्ट करने जाते हैं तो हम उस आईपी के थ्रू कनेक्ट कर लेंगे, उसके लिए हमें सबनेटिंग करना, बार बार सबनेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, R1 के इसके सिस्टम में कितना आ गया, 140.0.16.0, और R1 के उसके बाद फिर इसमें प्लस किया, 16+ किया तो 32.140.0.32.0, उसके बाद फिर 16+ किया तो कितना आ गया, 140.0.48.0। R1 R2 ही इस इंटरफेस पे हमें ये आईपी हमारे पास यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास मैक्सिमम नंबर 3576, और कितने कनेक्ट कर सकते हैं, 4094, तो लास्ट ये हमने 140.0.64.0 अप टू, हम ये सबनेटिंग तब तक कर सकते हैं जब तक ये हमारा ये 140 है, जब ये 141 आने लगेगा तो लास्ट पे ये वो हमारा सबनेट आईडी होगा। तो हमें तो सिर्फ पांच चार पांच चाहिए थे ना, 5 से हमारे पास इंटरफेस थे, तो हमें फास्ट देखा 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 इंटरफेस थे तो हमने 5 इंटरफेस के लिए 5 ही सबनेट आईडी निकाली। अगर हमें और चाहिए होगी अब तो हम वहां तक निकाल सकते हैं जब तक हमारा जो आईपी हमने परचेज कर रखी है उससे नेक्स्ट आईपी ना आ जाए, जैसे 140 है, 140 से पास जैसे इधर से 0 होगा, 0 से 255 जाएगा, जैसे 0 से 255 जहां तक जाएगा, जब जहां भी 0 255, जहां भी 255 और जहां 255 हो जाएगा उसके बाद ये 141 हो जाएगा, तो वहां तक हमारे इसको सबनेट आईडी हमारे पास है। ओके, हम आप इस एग्जांपल से समझ गए होंगे कि कैसे हमने सबनेट आईडिंग की। ओके फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन रखा है कि आपको, हमने क्लास बी की आईपी हमने परचेज कर ली 190.0.0.0.0, जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ सिस्टम कनेक्ट करने हैं इसमें 3962, 3962 इतने हमने इस हमारे पास नेक्स्ट नंबर ऑफ सिस्टम है, और उसके बाद सबनेटिंग करके बताओ कि क्या सबनेटिंग उस आईपी के हम सबनेटिंग करके बताओ। थैंक्स थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।